बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नीमच जिले के जीरन और मनासा से एक ही दिन में दो भ्रूण हत्या की खबर प्रकाश में आई है। मौके पर संबंधित पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नीमच जिले में एक ही दिन में दो अलग अलग जगहों पर करीब 5 से 6 माह का भ्रूण कहीं कचरे में तो कहीं नाले में नजर आया। यह तस्वीर जिसने भी देखी वह शर्मसार हो गया और इस तरह की करतूत को अंजाम देने वाले की निंदा करने लगा। ग्राम चीताखेड़ा से करीब 4 माह का भ्रूण विद्युत मंडल के सामने कचरे के ढेर में मिला, तो वहीं मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम हांसपुर में नाले में अज्ञात मृत भ्रूण मिला है। अज्ञात भ्रूण हत्या होने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर संबंधित पुलिस मौके पर पहुंची और चीताखेड़ा क्षेत्र से लाए भ्रूण का PM जिला अस्पताल में किया गया, तो वहीं दूसरा PM मनासा क्षेत्र में किया गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में CSP राकेश मोहन शुक्ल ने कहा है कि जीरन और मनासा क्षेत्र से दो अलग अज्ञात भ्रूण सूचना के आधार पर मिले हैं, जिनका PM कराया गया है। चीताखेड़ा में चांदमल बंजारे के बाड़े में मृत भ्रूण मिला है, जिसकी सूचना खुद बाड़े के मालिक ने ही पुलिस को दी है। वहीं मनासा में नाले से मृत भ्रूण बरामद हुआ है। पास सूचना मिली थी कि वहाँ एक बाड़ा है समंदर का, उस बाड़े में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। सुबह प्रातः 8 बजे जीरन थाने पे सूचना मिलने पे फिर उसमें मर्ग कायम किया गया और मर्ग कायम करने के बाद उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहाँ पर जब मौके का मुआयना किया वहाँ की पुलिस ने, तो ये पाया गया कि वहाँ कुछ खून के धब्बे पास में एक मंसूरी क्लिनिक है उसके पास तक गए हैं। तो मंसूरी क्लिनिक के बारे में ये सूचना मिली कि ये इस तरह से अवैध गर्भपात में संलिप्त रहते हैं, इसे गाँव वालों ने सूचना दी थी, तो उसको सील कर दिया गया है। माननीय जिलाधीश महोदय को अवगत पत्र लिखा गया है कि एक टीम बना के CMHO के माध्यम से उसकी क्लिनिक की जांच की जाती है। इसके बाद मनासा में हासपुर गांव के पास एक 3-4 माह का गर्भ जो है वह शिशु बरामद हुआ है, वहां भी मर्ग कायम किया गया है और वहां भी 318 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर, दो तरह के एक ही दिन में दो तरह की इस तरह की घटना हुई है, कहीं ना कहीं सर ये डॉक्टरों का जो है मतलब इलीगल एक्टिविटीज के अंदर आ रहा है, इस तरह के पहले भी मामले नीमच में हो चुके हैं। देखिए, ये जो अपने गर्भ को छुपाना अपने आप में स्वयं भारतीय दंड विधान का अपराध है और यदि इसमें कोई सहयोग करता है तो वो भी इसी धारा के तहत दंडनीय है। मध्य प्रदेश चिकित्सीय अधिनियम है, उसके अंदर भी ये दंडनीय है।